दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। तो गाइस इसमें हम लोग करने वाले रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कलम, पुस्तक, फर्नीचर। तो इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए कलम अलग होता है, पुस्तक अलग होता है, और फर्नीचर अलग होता है। तो कलम को अलग रखेंगे, पुस्तक को अलग रखेंगे और फर्नीचर को अलग रखेंगे, तो इस टाइप का हमारा ये वेन डायग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि एफ सी का रिलेशन है 18 से, तो के जी का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए एफ की जो नंबरिंग होती है वो कितना होता है, 6। सी की वैल्यू क्या होती है, 3। अब 6 के मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दें तो हमारा 18 आ जाता है। ओके, इसी प्रकार के का नंबर कितना होता है, 11, और जी का कितना होता है, 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 77, तो आंसर हो जाएगा 77, क्योंकि एक का संबंध जब दूसरे से होता है तो तीसरे का संबंध भी उसी प्रकार चौथे से होता है। अगला क्वेश्चन है एस एच, मतलब सी को टिप लिखा जाता है, तो मिन को क्या लिखा जाएगा? एस एच ई को, मतलब देखिए एस के बाद क्या आता है, टी, मतलब प्लस एक की बढ़ोतरी। एच के बाद क्या आता है, आई, फिर प्लस वन की बढ़ोतरी। ई के बाद क्या आता है, एफ, फिर प्लस वन की बढ़ोतरी। तो इसमें भी हम लोग माइन में भी करेंगे। तो देखिए एम के बाद क्या आता है, एन प्लस एक, आई के बाद जे प्लस वन, एन के बाद ओ प्लस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन जे ओ। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि रैट का मिरर इमेज क्या होगा? तो ये रैट दिया हुआ है, बीच में मिरर है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो देखिए टी पलटेगा वैसे ही रहेगा, ए पलटेगा वैसे ही रहेगा, आर पलट जाएगा इस टाइप का, तो हमारा इस टाइप का मिरर इमेज आ जाएगा। अगला है 3.5 को मिरर इमेज क्या होगा? तो इसको हम लोग 12 बजे से घटा दें तो हमारा मिरर इमेज निकल आएगा। तो 12 बजने में क्या होता है, 11 घंटे 60 मिनट, तो इससे हम लोगों ने 3:30 घटा दिया, तो कितना आ जाएगा, 03, मतलब 8:30, तो ये हमारा हो जाएगा मिरर इमेज। तो दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कलम, पुस्तक, फर्नीचर। तो इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए कलम अलग होता है, पुस्तक अलग होता है, और फर्नीचर अलग होता है। तो कलम को अलग रखेंगे, पुस्तक को अलग रखेंगे और फर्नीचर को अलग रखेंगे, तो इस टाइप का हमारा ये वेन डायग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि एफ सी का रिलेशन है 18 से, तो के जी का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए एफ की जो नंबरिंग होती है वो कितना होता है, 6। सी की वैल्यू क्या होती है, 3। अब 6 के मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दें तो हमारा 18 आ जाता है। ओके, इसी प्रकार के का नंबर कितना होता है, 11, और जी का कितना होता है, 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 77, तो आंसर हो जाएगा 77, क्योंकि एक का संबंध जब दूसरे से होता है तो तीसरे का संबंध भी उसी प्रकार चौथे से होता है। अगला क्वेश्चन है एस एच, मतलब सी को टिप लिखा जाता है, तो मिन को क्या लिखा जाएगा? एस एच ई को, मतलब देखिए एस के बाद क्या आता है, टी, मतलब प्लस एक की बढ़ोतरी। एच के बाद क्या आता है, आई, फिर प्लस वन की बढ़ोतरी। ई के बाद क्या आता है, एफ, फिर प्लस वन की बढ़ोतरी। तो इसमें भी हम लोग माइन में भी करेंगे। तो देखिए एम के बाद क्या आता है, एन प्लस एक, आई के बाद जे प्लस वन, एन के बाद ओ प्लस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन जे ओ। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि रैट का मिरर इमेज क्या होगा? तो ये रैट दिया हुआ है, बीच में मिरर है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो देखिए टी पलटेगा वैसे ही रहेगा, ए पलटेगा वैसे ही रहेगा, आर पलट जाएगा इस टाइप का, तो हमारा इस टाइप का मिरर इमेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।